टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी साहित्यानुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज साहित्य की अवधारणा पर बात करेंगे, लेकिन वह साहित्य की अवधारणा किस संदर्भ में होगी उसको लेकर के हमारी आज वार्तालाप आपसे होगी, और ये प्रयास होगा कि आपको उसके बारे में अवगत कराया जाए, आपको उसके बारे में बताया जाए, आपको सूचित किया जाए। लेकिन जो मेन हमारा उद्देश्य है, जो मेरा फोकस है, वह किस पर है? वह सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पर है। आपको कहां पर जूनियर हाई स्कूल में, अभी ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित यह नौकरी है, और संभवतः इतनी तेजी से प्रक्रिया अभी तक किसी की दिखाई नहीं दी। इस गवर्नमेंट की अगर ये कहें, अगर ये करा ले जाते हैं, जैसा कि अभी लग रहा है, इनके प्रक्रियाओं से लग रहा है कि यह फाइनल करा ले जाएंगे, लेकिन करा ले जाते हैं तो यह बहुत ही इनका, इनके समय का, यानी इस गवर्नमेंट का सबसे ही यह तेज प्रक्रिया और नौकरी देने की बात होगी। जूनियर हाई स्कूल में पद आए हैं, सहायक अध्यापक के पद आए हैं, प्रधानाध्यापक के पद आए हैं, आपको इससे आप विदित भी हैं, और इसमें विषयवार भी दिया गया है कि किस किस विषय के शिक्षक की उनको आवश्यकता है, यानी कि उनको हिंदी के विषय, यानी हिंदी के शिक्षक की आवश्यकता है, उनको अंग्रेजी के शिक्षक की आवश्यकता है, उनको संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता है, उनको विज्ञान के शिक्षक की आवश्यकता है, उनको गणित के शिक्षक की आवश्यकता है, और उनको सामाजिक विषय के शिक्षक की आवश्यकता है। आप ये स्पष्ट हो लीजिए, स्पष्ट हो जाइए कि देखिए, जूनियर हाई स्कूल में थोड़ा सा, मैं बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस बात को बताते हुए हम अपनी बात पर आएंगे, अपने विषय पर आएंगे कि जूनियर हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश सरकार को इन इन विषयों की आवश्यकता है। वह विषय की आवश्यकता इनको होती है, एक विषय की आवश्यकता है इनको हिंदी की, यानी हिंदी वो चाह रहे हैं कि हिंदी का शिक्षक हमारे यहाँ कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो एक विषय यानी हिंदी के शिक्षक की आवश्यकता है, इस विषय के शिक्षक की आवश्यकता है। अब कितनी आवश्यकता है यह आपको जब विज्ञापन पूरा आ जाएगा तो उसमें वो क्लियर करेंगे कि इसमें 200 शिक्षक चाहिए, कि 300 चाहिए, कि 100 शिक्षक चाहिए, कि 150 शिक्षक चाहिए, कि 500 चाहिए, क्या चाहिए, ये वो जो है क्लियर करेंगे कब, 18 के विज्ञापन में क्लियर करेंगे। अभी उन्होंने विषयवार कोई क्लियर नहीं किया है। दूसरा, जो शिक्षक की उनको आवश्यकता है, वह शिक्षक की आवश्यकता है इनको संस्कृत के शिक्षक की आवश्यकता है कि भाई जूनियर हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये जो संस्कृत विषय चलता है इसमें हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो इसलिए हमको इन विषय में शिक्षक चाहिए, इसके लिए वो परीक्षा का आयोजन करेंगे और जो योग्य होगा उनको वह लेंगे। तीसरा, इनका ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें अंग्रेजी के शिक्षक की आवश्यकता है, यानी अंग्रेजी के शिक्षक की आवश्यकता है, तो ये तीन विषय ये कह रहे हैं मुझे शिक्षक चाहिए। अब कितने कितने शिक्षक चाहिए अभी यह स्पष्ट वह 18 को करेंगे। चलिए, इसके अतिरिक्त कौन से शिक्षक चाहिए, तीन विषय के शिक्षक ये हो गए। चौथा विषय इन्होंने कहा कि भाई मुझे सामाजिक विषय में भी चाहिए, किसका, सामाजिक विषय में भी चाहिए, तो सामाजिक विषय का भी इनको शिक्षक चाहिए, और सामाजिक विषय का शिक्षक इनको पुनः वही बात कि कितना चाहिए ये क्लियर नहीं किए हैं।
आप ये जानते हैं सामाजिक विषय का शिक्षक कौन बन सकता है, वह यानी सामाजिक विषय में कौन कौन से विषय आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें इतिहास आता है, इसमें भूगोल आता है, इसमें राजव्यवस्था यानी पॉलिटी आती है, इसमें अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी आती है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये सामाजिक विषय के शिक्षक की भी इनको आवश्यकता पड़ती है और पढ़ाया भी जाता है। यहां पांचवा ये कह रहे हैं कि मुझे गणित के शिक्षक की आवश्यकता है, यानी मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं मुझे गणित के शिक्षक की भी आवश्यकता होती है। और छठा कहते हैं कि मुझे विज्ञान के शिक्षक की आवश्यकता है। अब ये जो है यही छह विषय ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मुझे इन विषयों के शिक्षक चाहिए। अब कितने शिक्षक चाहिए यह बताया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम यह इन्होंने कहा कि ये हम लेंगे कैसे, उत्तर प्रदेश सरकार को ये लोग मिलेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा हम एक परीक्षा कराएंगे, उस परीक्षा के आधार पर हम इनका चयन करेंगे, ठीक है, इन विषयों का चयन करेंगे। तो अच्छा, परीक्षा का आधार तो ठीक है, तो इन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि भाई इसके लिए कुछ योग्यता रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ इसके लिए योग्यता हम रखेंगे। योग्यता क्या रखेंगे, तो उन्होंने कहा उसको बीए होना चाहिए, ग्रेजुएशन, बीए मतलब बीएससी भी हो सकता है और बीकॉम बीएससी भी हो सकता है, यानी बीकॉम के तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं कोई, तो यानी यहां पर जो है आपको स्नातक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि स्नातक, पहली योग्यता उन्होंने रखा कि स्नातक होना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी योग्यता क्या रखा, पहली उन्होंने स्नातक, दूसरा कहा इसको बीएड भी होना चाहिए जो शिक्षक बनेगा, अगर वो बीएड नहीं किया है तो नहीं बनेगा। तीसरा इन्होंने कहा कि टेट पास होना चाहिए या आपको सी टेट पास होना चाहिए, कोई भी आपको पास होना चाहिए अगर आप इतनी योग्यता रखते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर आप इतनी योग्यता इसके लिए रख लेते हैं, इतनी योग्यता आप रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब योग्यता की बात हो रही है, तो पहला हो गया स्नातक हो गया, ठीक है, पहला स्नातक। दूसरा कह रहे हैं कि आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं या तो आप टेट पास करिए, आप तो या टेट होइए या आप सी टेट भी अगर पास हैं तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्राविधान भी किया जा रहा है कि जो लोग पास नहीं हैं वह लोग भी दे सकते हैं, लेकिन उनको पास करना है, ऐसा भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसी बातें चल रही हैं। अब देखिए 18 को क्या होता है। अब ये आपकी क्या रही, इतनी बातें जिसके पास हैं, तो इसमें ये दो बातें यानी ये तीनों अगर किसी के पास रहेंगी तभी वो गवर्नमेंट लेगी, अन्यथा नहीं लेगी। तो ये तीन आपको योग्यता के रूप में अपनाना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतनी योग्यता रख लिए तो क्या सभी लोग शिक्षक बन जाएंगे इसके, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इतना योग्यता रखने के बाद भी आप शिक्षक नियुक्त नहीं हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा कौन लेगा, तो पीएनपी लेगी, यानी इलाहाबाद की संस्था है ये लेगी। अच्छा, परीक्षा ये कंडक्ट कराएगी, तो परीक्षा में क्या क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में हम दो चीज रखेंगे, क्या रखेंगे, दो बातें इन्होंने कहा। तो पहली बात इन्होंने कहा कि परीक्षा में हम जो रखेंगे, पहला एक हमारा जो होगा वह सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी होगी। और सामान्य जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी होगी और सामान्य जानकारी कितने रहेगा, ये 50 प्रश्न यहां पर आपको रहेंगे।
ये हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि अगर जिस भी भाषा के, जिस भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप जो है गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, आप विज्ञान के बनना चाहते हैं, आप सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं, आप अंग्रेजी के, संस्कृत के या हिंदी, किसी एक सब्जेक्ट का आपको शिक्षक बनना है, तो आपको इस सब्जेक्ट से यानी विषय से, तो इस विषय से जो होगा वह 100 प्रश्न किए जाएंगे, यानी टोटल कितना प्रश्न हो जाएगा, 150 प्रश्न हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर 150 प्रश्नों में से जिसकी मेरिट जितनी ऊपर होगी, उस ऊपर से जितनी हमारी सीट रहेगी वैसे ले लेंगे। बातें स्पष्ट हुई? यानी अगर मान लीजिए ये 100 प्रश्न किसके रहेंगे, अगर आप कहेंगे कि मैं गणित का टीचर बनूंगा तो 100 प्रश्न गणित के आप दीजिए, अगर विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न विज्ञान का रहेगा, सामाजिक विषय बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न सामाजिक विषय का होगा, हिंदी के बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न हिंदी के रहेगा, अंग्रेजी के बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न अंग्रेजी के रहेगा, संस्कृत के बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्न संस्कृत के रहेगा, यानी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके 100 प्रश्न आपको रहेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो 50 है ये सबको देना है। आप चाहे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, लेकिन ये 50 क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी है, यानी सबको देना ही देना है, इसमें किसी को छूट नहीं है। यानी ये जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से अपनी योजना बनाई है, और 11 अप्रैल को कहे हैं कि हम एग्जाम कराएंगे। करा पाते हैं नहीं करा पाते ये बात अलग है, लेकिन अभी की योजना से इनको लग रहा है कि यह 11 अप्रैल को एग्जाम कराएंगे, और 11 अप्रैल को मान करके चला जाए वही हमारे हित में होगा, क्योंकि चुनाव सामने हैं, यह कुछ भी करा सकते हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी को कमजोर मत करिए, अपनी तैयारी को आज से ही और अभी से उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और जब तक तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ति मत कर लो। तो आपको भी रुकना नहीं है, और यह निश्चित कर लेना है, यह तय कर लेना है, यह निश्चय कर लेना है कि हमको इसमें नौकरी, इसमें अपनी बे जो उपसर्ग है, रोजगारी के जो बेरोजगार जो बने हुए हैं, इस रोजगार के पहले जो बे उपसर्ग लगाया गया, इस उपसर्ग को हम समाप्त करेंगे और रोजगार की अवधारणा में आएंगे, और एक उस समाज में हम प्रवेश करेंगे कि जहां जीने की अभिलाषा होती है, जहां कुछ करने की अभिलाषा होती है, जहां कुछ आगे जाने की अभिलाषा होती है, जहां पर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारे एक स्वर्णिम भविष्य हम देखते हैं, उसमें हम प्रवेश करेंगे। यानी कि हम जो है तो ये कब होगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है तो वैसे तो बैठा करके देगी नहीं कि भाई, तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या कौन कहता है ये हटा दीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो बातें होंगी कि क्या है क्या नहीं है कैसे है, आपको अपना चूज करना है। और इस संसार की बातों, इन लोगों की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या सब्जेक्ट में रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी तो क्लियर नहीं है, तो अभी ऐसा है 4 दिन इसी में आपका ले लेंगे, तो ये हटा करके दुनिया क्या कहती कहने दे, दुनिया क्या कहती कहने दे, तू अपनी मस्ती रहने दे, तू जरा ना अपने पथ से टल, तू अपने धुन के पीछे चल। यानी ये जो है आप एक लक्ष्य बनाइए और इस लक्ष्य पर आप चल दीजिए, यानी आपको कुछ करना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आप हमारे साथ टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप मेरे साथ होइए,
ये निश्चित तौर पे आपको हम वादा दिलाते हैं कि आपके साथ जो भी होगा वो न्याय होगा और सर्वोपरि होगा। इतना हम लोग निश्चय किए हैं, इस बैच का नाम ही रखे हैं निश्चय बैच रखे हैं। यह रवि सर एवं आलोक सर के निर्देशन में हम लोग जो पूरी टीम बैठी हुई है, सारी टीम अपने अपने विषय को लेकर के आएगी और आप इससे हम लोगों से रूबरू हैं, हम लोगों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये प्रमोशन कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस विषय की गंभीरता को समझिए, इस नौकरी की गंभीरता को समझिए और यह नौकरी कुछ भी कर सकती है। आपको 2 महीने में क्या से क्या बना सकती है यह आप सोच नहीं सकते हैं, बस आपको अपना काम करना होगा। तो आप जो है, मैं ये बताया कि 150 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब 150 क्वेश्चन में जो जितना कर ले जाए, तो हमारा जो रोल होगा वह रोल होगा, यानी मैं पंडित अमरेश भट्ट आपके साथ जो जुड़ूंगा वह लेकर के हिंदी विषय को जुड़ूंगा। हिंदी विषय यानी ये हमारा विषय होगा, हम हिंदी विषय हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी में रमते हैं, हिंदी में धुनते हैं, हिंदी में गुनते हैं, हिंदी ही हिंदी खाते हैं, हिंदी पहनते हैं, हिंदी चलते हैं, हिंदी सोचते हैं, हिंदी ही हिंदी हम हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा, यानी हम हिंदी में प्रवेश करते हैं और ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे साथ हमारा जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वह हिंदी मय हो जाए, वह एकदम इस रंग में रंग जाए, ऐसी रंग दे, मैं हिंदी में ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मरी रंग दे चुनरिया। यानी ये जो है इस प्रकार से हिंदी में हो जाइए कि यहां 100 प्रश्न, यह 100 प्रश्न भी सोचे हां मैंने प्रश्न पूछा है तो मेरा भी किसी भी स्टूडेंट यानी किसी भी छात्र से हमारा साबका हुआ है, हमारा आमना सामना हुआ है, हमारा पाला पड़ा हुआ है। जैसे कहा जाता है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, हवा का पाला पड़ा कि घोड़ा इतना तेजी से चलता था। तो आपको इस योग्य बनाने में हमारी बहुत बड़ी महती भूमिका यह नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक आपका साथ नहीं होता है तब तक हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा। हम लोग गंभीर होकर के, हम लोग एकजुट होकर के निश्चित तौर पर उस परचम को लहरा सकते हैं। तो हम यहां पर इस बात को करेंगे। आइए हम अभी, हालांकि भिन्न भिन्न अपने अपने रूप में अभी लोग व्याख्या करेंगे, मैं बहुत ज्यादा इस पर यह व्याख्या नहीं करना चाहता हूं कि क्या है, लेकिन अभी जो इन्होंने सिलेबस जो दिया है वह हिंदी के 4 पॉइंट सिर्फ दिए हैं। कितने पॉइंट दिए हैं? 4 पॉइंट सिर्फ इन्होंने दिया है। वह सिलेबस क्या इन्होंने दिया है? हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, ये इन्होंने दिया है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। ये जो बात है ना, सिर्फ यही, ये जो पाठ दिया, ये पाठ की गंभीरता को आप समझिए। ये जो पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट अभी मैं बता रहा हूं, दूसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया वह दिया है व्याकरण दिया है। क्या दिया है? व्याकरण दिया है। तीसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया वह अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का दिया है, यानी अपठित गद्यांश और क्या दिए हैं? अपठित पद्यांश, आप लिख कर दें पद्यांश कर देते हैं, अपठित गद्यांश अथवा अपठित पद्यांश, ऐसा मान लीजिए। इन दोनों से आपको प्रश्न रहेगा, यानी कुछ प्रश्न गद्यांश से, कुछ प्रश्न आपको पद्यांश से रहेगा।
और इसके अतिरिक्त प्रमुख लेखकों एवं कवियों के बारे में सामान्य जानकारी, यानी चौथी बात जो रखा, प्रमुख लेखक, प्रमुख लेखक एवं कवि, एवं कवियों के बारे में, कवियों के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, ठीक है, जानकारी एवं रचना, सामान्य जानकारी एवं रचना है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये चार पॉइंट इन्होंने दिया है। बात यहां पर ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये चार पॉइंट दिए हैं, आप इसकी गंभीरता को समझिएगा। नीचे इन्होंने एक बात लिखा है, वो बात समझने लायक है, वो बात समझने योग्य है। वह बात क्या है? इन्होंने ये बात पॉइंट करके दिख दिया कि जो प्रश्न का बेस होगा, जो प्रश्न का आधार होगा, वह स्नातक स्तरीय होगा। बस एक पॉइंट के आधार पर यह कमाल मचा सकते हैं। यही पॉइंट आपको बेसिकली समझना है कि स्नातक स्तरीय बात यह हो रही है। ये 4600 ग्रेड पे की बात हो रही है, यह नहीं है कि 4200 ग्रेड पे की बात नहीं हो रही है, यह 4600 ग्रेड पे की बात हो रही है। तो जब 4600 ग्रेड पे की बात हो रही है तो एक पॉइंट यह है, और एक पॉइंट यहां पर यह देखिए, व्याकरण तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लियर है कि व्याकरण में क्या है, पूरा व्याकरण आपको समझाया जाएगा। अपठित गद्यांश पद्यांश ये भी सही है, प्रमुख लेखक एवं कवियों भी ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीन टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे, बातें सुनेंगे और आप कुछ समझेंगे, कुछ याद करेंगे, बातें यहां पर होगी। सबसे टेक्निकल जो पॉइंट दिए हैं उन्होंने यह दे दिया है, हिंदी साहित्य एवं भाषा इतिहास। ये देखिए, ये भाषा इतिहास दे दिए हैं, यहां पर भाषा विज्ञान की बात इन्होंने कर दिया है, और इन्होंने पूरा का पूरा हिंदी साहित्य लिख दिया है। ये दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु नहीं है, एक बिंदु के अंतर्गत दिए हैं, और पूरा खेला यहीं पर कर दिए हैं। यहीं पर जो है, आपको अगर नहीं संभलेंगे तो पूरा का पूरा यहां से चुटकी बजा करके, और ये जो है यहां के लोग यहीं को, आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये पब्लिकली मेरा हो रहा है बात, मैं किसी की, हर एक शिक्षक अपने में महनीय है, पूजनीय है, सब कुछ है, लेकिन यहीं पर जो है टेक्निकलिटी है। अब यहीं पर जो टेक्निकलिटी है वो क्या टेक्निकलिटी है, इसको मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर जो है, अब इसको बताने के लिए आपको, अगर इन्होंने 18 को क्लियर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इतना जाने रहिएगा कि यही एक ऐसा बिंदु है, ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिंदु अगर आप यहां पर कमजोर पड़े, यहां पर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन दो पॉइंट को मजबूती से देखना है, यह कोई सामान्य चीजें नहीं है, ये केवल एक पंक्ति में लिखी हुई चीजें हैं, लेकिन ये है एक या आधे पंक्ति में लिखी हुई, जब इसकी व्याख्या करेंगे तो इसमें परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, यह निकलते हुए चले जाएंगे और खींचते हुए चले जाएंगे, और यहां पर आपको मेहनत करनी है, यहां पर आपको समझना होगा। तो आपको इतना समझने के पहले मैं ये चाहूंगा कि आप जो है क्या थोड़े से इसको हिंदी साहित्य की अवधारणा को आप समझ लीजिए। अगर आप हिंदी साहित्य समझ लेंगे तब तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हिंदी साहित्य को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, यानी आपके दिमाग के जो कैमरे को है, उस कैमरे को हमको पीछे ले जाना पड़ेगा।
क्योंकि मैं यहां यही डायरेक्ट नहीं आ सकता हूं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं और आसान है, मैं बताता भी रहता हूं। ये जो है मैं सामान्य क्लास में भी, यानी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं इसमें भी बताता रहता हूं। आपका तो यही पढ़ाना है तो आपको तो बताना ही बताना है। मैं उस भी उन भी बच्चों को बताता रहता हूं कि कम से कम ये सामान्य अवेयरनेस है हिंदी के बारे में, सामान्य जानकारी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बताता रहता हूं। तो अब यहां पर क्या होगा, तो थोड़ा सा हिंदी का यहां पर प्रवेश देखिए कैसे हो रहा है, हिंदी साहित्य की अवधारणा कैसे आ रही है, यहां पर थोड़ी सी बात आपको समझना पड़ेगा और तब जाकर के हम एक एक करके आपको विस्तारित करते हुए चलेंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतने कम दिनों में कैसे हम कवर करेंगे, ये सब सारी बातें आपसे हम करेंगे। लेकिन आज जो है, आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको पूरी बात को समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब हम प्रवेश करते हैं, अगर हम भाषा की बात करें, ये क्या है, भाषा है। अभी जो मैंने आपसे लिखा है ये क्या है, भाषा है। यहां भाषा है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, यानी साहित्य है, ये साहित्य है। तो साहित्य की अवधारणा, और हमको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो जब हिंदी साहित्य पढ़ना है तो करना क्या पड़ेगा, अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हमको हिंदी साहित्य को समझना, सबसे पहले तो हिंदी समझना पड़ेगा। अब हिंदी समझना पड़ेगा तो हिंदी आखिर कहां से आई, ये तो जानना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने बटन दबाया हिंदी आ गई और आप पढ़ने लगे, आप टीचर हो गए। एक विकास होता है, एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम अगर भाषा के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले जो भाषा हमारे सामने प्रस्तुत होती है वो क्या होती है, संस्कृत होती है। वो क्या होती है, संस्कृत होती है, ठीक है। यानी पहला, इसीलिए संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा कह सकते हैं, संस्कृत को सबसे उन्नत भाषा कह सकते हैं, संस्कृत को सबसे क्लासिकल भाषा कह सकते हैं, संस्कृत को आप देव भाषा कह सकते हैं, संस्कृत को आप भाषाओं की जननी कहते हैं। यानी तमाम उपाधियां इसको आप विभूषित किए हैं, तमाम उपाधियां इसको आप, इनको आप दिए हुए हैं। अब ये जो संस्कृत सबसे पहले भाषा के रूप में हमारे सामने मिलती है, तो ये कब मिली, तो कब मिली, तो ये जो है इसको मिली कब, 1500 ईसा पूर्व में मिली, 1500 ईसा पूर्व में ये आपको मिल जाती है। यानी यह 1500 ईसा पूर्व में क्या होते हैं, इनका आगमन हो जाता है, ऐसा विद्वानों ने कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हम उन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूं कि 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत का यह होता है भाषा के रूप में आगमन हो जाता है। अब इसके बाद से संस्कृत चलने लगती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से लगभग कितने वर्ष पहले संस्कृत आ गई थी, तो आप क्या कहेंगे, तो आप 2000 इधर ले लीजिए और 1500 उधर, 3500, 2100 इधर लेंगे तो 1500 उधर, 3600 के लगभग में हो गया। यानी आज से 3600 वर्ष पहले संस्कृत चल रही थी, संस्कृत में लेखन हो रहा था, संस्कृत में वाचन हो रहा था, संस्कृत ही सब कुछ थी भाषा के रूप में, ये चला। अब जो है तो इस संस्कृत में भी दो विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। पहला जो संस्कृत का विभाजन होता है वह विभाजन होता है वैदिक संस्कृत होता है। अब इसको भी क्या करते हैं, वैदिक संस्कृत में विभाजन कर देते हैं, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को जो ये काल चलता है तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 बीसी तक ये क्या चलता है, ये चलता है वैदिक संस्कृत, ठीक है।
अच्छा, तो इसके बाद क्या चला? तो इसके बाद चलता है यहां से दूसरा जो चला वो चलता है लौकिक संस्कृत चलती है, यानी पहला वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत यानी जिसमें वेद लिखे गए, इसके बाद लौकिक संस्कृत चली। तो यहां पर जो है कौन सी संस्कृत पुनः जय, संस्कृत में भी विभाजन हुआ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का, ठीक है, लौकिक संस्कृत का। और यह लौकिक संस्कृत कब से चलती है? यह जो चली 1000 बीसी से, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक यह क्या चलती है? संस्कृत चलती है। बातें क्लियर हुई? यह क्या चली? संस्कृत चली। हम एक मोटी मोटा आपसे पूछें तो दोनों को मिला दें तो हम यह कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक यह क्या चलती है? संस्कृत चलती है। क्या? संस्कृत चलती है। इसी को हमने 1500 से 1000 और 1000 से 500 दो भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। भाषा के रूप में आपको मैं बता रहा हूं। अब ये भाषा के रूप में यहां पर आगमन संस्कृत का हो जाता है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, यहां पर आपका आगमन हो गया, तो संस्कृत के बाद क्या आया? संस्कृत के बाद, संस्कृत के बाद जो भाषा का आगमन होता है वह पाली का होता है। किसका होता है? पाली भाषा का आगमन होता है। और पाली भाषा में, संस्कृत से पाली, पाली को हम प्रथम देश भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आप 500 बीसी लिख चुके हैं तो यहां पर 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 बीसी से लेकर कब तक चलता है? एक ईस्वी तक क्या चलेगी? यह आपकी पाली चलेगी, ठीक है। यह पाली का प्रकाशन होता है, यानी एक ईस्वी तक। चलिए इसके बाद पाली से कहां पर हम आते हैं? तो पाली से कह रहे हैं कि हम प्राकृत में प्रवेश करते हैं। पाली से हम प्राकृत में प्रवेश करते हैं, प्राकृत में प्रवेश करते हैं। और प्राकृत में जो प्रवेश हम करते हैं वह कब से यह चलता है? तो कह रहे हैं एक ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक यह हमारा क्या चलता है? प्राकृत चलता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो अगर यहां तक प्राकृत चलता है तो इसके बाद से कौन सी भाषा आई? तो यह कह रहे हैं प्राकृत के बाद हम अपभ्रंश में पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? अपभ्रंश में पहुंच जाते हैं। और अपभ्रंश का जो कार्यकाल चलता है वह 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यह क्या चलता है? अपभ्रंश चलता है, ठीक है। यहां पर किसमें हम आते हैं? अपभ्रंश में आते हैं। अब यहां पर तक तो अपभ्रंश चलता है, इसी में एक भाषा के रूप में निकलती है, उसे कहते हैं अवहट्ट कहते हैं। तो बहुत विद्वानों ने अवहट्ट को भी मान्यता दिया हुआ है कि अवहट्ट आया। फिलहाल उसका बहुत बड़ा वर्ग समर्थन नहीं हुआ, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि मैं आदिकाल पढ़ाऊंगा तो आदिकाल में आपको लौकिक साहित्य जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर भी हम विद्यापति को पढ़ाएंगे तो वहां पर अवहट्ट का ही हम प्रयोग करेंगे। यानी कहीं न कहीं ये भाषा के रूप में इनकी उत्पत्ति होती है, यानी ये निष्पत्ति होती है, निकलते हैं, तो ये भी तो जानना पड़ेगा। चलिए फिलहाल ये बीच का चलता है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। फिलहाल इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदी पर, आ जाते हैं किस पर? आ जाते हैं हिंदी पर, आ जाते हैं। और हिंदी का काल जो चलता है वह 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक चलता है। कब तक चलता है? अब तक चलता है। यानी ये विद्वान मानते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक, यानी वर्तमान में 2021 तक ये क्या चल रहा है?
यह हिंदी चल रहा है और हिंदी में हम फल फूल रहे हैं। अब बात ये जब आ रही है कि यहाँ तक हिंदी चल रहा है, तो भाई ये बताइए तो हिंदी में अब क्या आ रहा है? तो हिंदी साहित्य की अवधारणा आ रही है। तो जब हिंदी साहित्य की अवधारणा आ रही है तो विद्वानों ने इसे विभाजन किया। क्या किया है? विभाजन किया है। अब इसी हिंदी, इस हिंदी को अब यहीं पर बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यानी हम जो है ये आपको अभी भी दिखाई दे रही होगी। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, इस हिंदी की बात करती हैं, तो इस हिंदी की बात करें तो यहीं पर हिंदी का अब क्या होता है? हिंदी का विभाजन होता है। लेकिन हिंदी अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो हिंदी है, यानी ये जो हिंदी है, अब 1000 ईस्वी से अब तक अब भिन्न भिन्न विद्वान आएंगे। विद्वानों ने अपने अपने अनुरूप इसका विभाजन करेंगे। क्या? हिंदी का विभाजन करेंगे, यानी हिंदी साहित्य की अवधारणा की ये बात करेंगे। तो जब ये इस पर बात करेंगे तो हिंदी को हम मोटे तौर पर इसको चार भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? चार भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। ये चार भाग कौन कौन से हैं? तो ये चार भाग जो हो जाते हैं, पहला हम कह दे रहे हैं आदिकाल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आदिकाल कह दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो विभाजन हो रहा है वह कह रहे हैं दूसरा भक्तिकाल कह रहे हैं, भक्तिकाल कह रहे हैं दूसरा विभाजन। और तीसरा जो विभाजन हो रहा है वह ये कह रहे हैं कि यह रीतिकाल है। यह क्या है? रीतिकाल है। और चौथा हमारा जो विभाजन हो रहा है उसको कह रहे हैं यह आधुनिक काल है। क्या कह रहे हैं? आधुनिक काल कह रहे हैं। और यहां पर जो है आधुनिक काल, इन चार भागों में हमने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अब ये विभाजन जो हुआ है, यह मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी जितने लोग हैं उतने उतने मत है, तो उतने उतने अगर मत है तो सभी लोग अपना अपना नामकरण करेंगे। तो नामकरण के पीछे आधार क्या है, एक अलग बात है। नामकरण अगर हुआ है तो फिर नामकरण में इतना अंतर क्यों है भाई? अगर हिंदी का हमने विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल में कहा, तो क्यों आदिकाल को बहुत सारे लोग रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहेंगे? क्यों जो है आदिकाल को हम बीज बपन काल कहते हैं? क्यों आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं? बहुत सारे लोग क्यों आदिकाल को चारण काल भी कहते हैं? यानी ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या बात है कि इतने नाम हो जा रहे हैं? कोई ना कोई कारण होगा इस नाम के पीछे, उस कारण को भी समझना होगा। और ये आदिकाल, ये रामचंद्र शुक्ल को आधार बना करके ये बातें हम कर रहे हैं। अभी जो मैं सन लिखूंगा वो रामचंद्र शुक्ल को आधार बना करके लिखूंगा, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो अवधारणा है, बिना रामचंद्र शुक्ल के अगर हम ये कहें कि आपको पूरा का पूरा कर देंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया जाएगा, सब कुछ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल को न छुआ जाए, हजरत प्रसाद द्विवेदी को न छुआ जाए, तब ये समझिए कि बहुत ही क्लिष्ट कार्य है, क्योंकि इन्होंने हर एक पुरुषन पर बात कर दिया है और प्रमाण के तौर पर बात किया है। ऐसा नहीं है कि बस बस उन्होंने ऐसे लिख दिया है। अगर आपसे कोई कहता है रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़िए, तो ये इसलिए नहीं कहता है कि बस उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने लिखा है। और वह जो है फिर पूछे हर एक क्षेत्र को छू दिए हैं, छू करके विध प्रमाण के साथ वो अपनी बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जब विभाजन किया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में जब विभाजन किया, और इसमें भी निर्गुण को भी विभाजन कर दिया। अभी तो एक तो सूक्ष्म किए ही थे, अब निर्गुण को विभाजन कर दिए। अब निर्गुण में भी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय विभाजित कर दे रहे हैं, सगुण में भी विभाजित करते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इतना सूक्ष्म जब अध्ययन कर लेते हैं
तो इसको काटना बड़ा मुश्किल का कार्य हो जाता है। और बात भी सही होती है कि ऐसे कैसे हम काट सकते हैं। जब भक्ति काल की उदाहरणा हम देखेंगे ना, तो भक्ति काल की परिस्थितियां क्या हैं, उत्पन्न हुई हैं, इस बारे में हमको जानना पड़ेगा। परिस्थितियों के आगोश में ही जन्म होता है किसी का, और जब तक उस परिस्थिति को नहीं समझेंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो है ये चार भागों में यानी हिंदी को विभाजित कर दिया। अब हिंदी को ही विभाजित नहीं कर दिया बल्कि अब ये क्या हो गया, साहित्य हो गया। यानी हिंदी में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, किसके किसके द्वारा लिखी गई, इसी का विभाजन है। यानी यहां पर अब हिंदी साहित्य की अवधारणा आ गई है। और यह हिंदी साहित्य आदिकाल में विभाजन किया गया। रामचंद्र शुक्ल संवत में लिखा है कि 1050 संवत से लेकर के, इन्होंने संवत में लिखा है 1050 संवत से लेकर के, संवत से 1375 संवत तक इन्होंने कहा कि भैया ये जो है आपका आदिकाल चलता है। 1350 संवत से लेकर के 1700 तक इन्होंने कहा कि ये आपका भक्ति काल चलता है। और इन्होंने 1700 से लेकर के यह 1900 तक ये बताते हैं यह रीति काल चलता है। और 1900 से लेकर के यह कहते हैं अब तक जो है यह क्या चलता है, आधुनिक काल चलता है। यानी कि हम जो बात करेंगे अब इस आज 1050 संवत से, अच्छा आपको सन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए तो सन निकालना होगा, तो संवत में से 50 घटा दीजिए आपको सन निकल जाएगा, यानी ईस्वी निकल जाएगी। अगर हम ये कहें कि आदिकाल का ईस्वी में बताइए तो 1050 में से -57 आप कर दीजिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 943 ईस्वी आ जाएगा। यानी अगर ईस्वी में देखेंगे तो 943 ईस्वी आ जाएगा। यहां पर हिंदी का मैंने 1000 ईस्वी से अब तक लिखा है, यानी लगभग में अवधारणा आ जाती है। सबके अलग अलग मान्यता है, किसने कौन सा माना है, अलग अलग, एक मोटी मोटी बात मैं यहां पर लिख दिया हूं। तो यहां पर जो है आपको ये जब बातें आती हैं, यानी आदिकाल में, अब आदिकाल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, क्या लिखते हैं, वही साहित्य हो गया। साहित्य की अवधारणा तो यहीं से चल रही, हमारा क्या पुस्तक मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो यानी इसको हम साहित्य की अवधारणा में ले लेते हैं। तो 1050 से 1375 के बीच में किन किन लोगों ने क्या क्या लिखा, यह आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत 1350 से 1700 संवत के बीच में किन लोगों ने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी ग्रंथ लिखी, जो हमसे पूछी जाएगी, यानी इस पर हम बात करेंगे। और वहीं पर रीति काल में 1700 से 1900 के बीच में कौन से लोग आते हैं, क्या लिखते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यह आधुनिक काल 1900 से लेकर के, यानी 1900 संवत से लेकर के अब तक क्या लिखा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। और कौन कौन से लोग लिखते हैं, यानी ये जो पूरा हिंदी साहित्य है इस पर हम क्या करेंगे, विवेचन करेंगे। और क्वेश्चन आपको यहां से आना ही आना है। तो ये जो हिंदी साहित्य केवल लिख दिया है, जैसे इन्होंने लिख दिया है, मैंने आपसे अभी कहा था कि ये जो सिलेबस लिखे हैं यहां पे हिंदी साहित्य, ये केवल हिंदी साहित्य देखने में लग रहा है। अभी मैं कहां, ये तो पूरा व्याख्या कहां कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ आपको मैंने इसको बताया है कि यह हिंदी साहित्य, अभी एक पोर्शन अभी भाषा इतिहास रही गया है, ये रह गया है। अब इसके बाद ये सब सारी चीजें रखी गई हैं, तो इसका भी व्याख्या किया जाएगा, इसके भी बारे में बताया जाएगा आपको कि क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यानी ये पूरा का पूरा आपको जानना पड़ेगा, इसमें से कुछ प्रमुख को आपको लेना पड़ेगा। प्रमुखता यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से प्रमुख प्रमुख कौन है, इसमें मुख्य मुख्य कौन है जो हमारे लिए काम लायक होते हैं, और उनकी गहराइयों को आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा तब जाकर के कोई बात हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इतना आसान, इतना हल्का इसको मत लीजिएगा।
हाँ आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्वयं से नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। हमसे जो मदद यानी टारगेट विद्यालयों के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जो मदद लेना होगा वो भी ले सकते हैं, हम पुस्तकें आपको बता सकते हैं, आप क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए ऐसा बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ही गहराई और विषयांतर हो जाते हैं, जो पूछा जाता है उससे हम हट जाते हैं। तो अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो कम समय में विद इन ड्यूरेशन में हम क्या एक सही दिशा में लेकर के आपको ला करके खड़ा कर देते हैं, जहां से आप क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने यहां पर ये चाहते हैं, ऐसा आपको ये है, तो आप मेरे साथ जो है इसमें प्रवेश करेंगे, यानी हम जो है इस पर आपसे बात करेंगे। और इसमें आपको करना क्या है, इन नंबरों पर, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एंट्री जूनियर लिख करके आपको भेज देना है। हमारी संस्था के जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं आपसे संपर्क करने के लिए, वह आपसे संपर्क करेंगे, आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे जो भी चाहते हैं। यानी आप जो है इस पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है। अगर आपको कॉल करके कोई जानकारी लेनी है तो हमारे इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, ये सामने आपके नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर नीचे चल रहे हैं, इस पर भी क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपनी सीट सुनिश्चित कराइए और जुड़िए बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ, जुड़िए बेहतरीन शिक्षकों के साथ, जुड़िए मानक शिक्षकों के साथ जुड़िए, तो बेहतर आपके जीवन में भी होगा। तो ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है। आपका समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी चुनौती है कि इसको फाइनल उनको कराना है। अब किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके सामने भी चुनाव है, तो वो चुनाव के पहले हर हाल में उनको नियुक्ति दे देनी है, ये क्लियर है। इसलिए अपने जोश को, अपनी ऊर्जा को यूं ही बनाए रखिए और हम लोगों के साथ जुड़िए। तब तक के लिए अब पुनः आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद।